इंद्री में शहीद उधम सिंह समिति के आह्वान पर आज शहीद आजम उधम सिंह का जन्म दिवस समारोह का आयोजन सभी वर्ग, धर्म व सियासी दलों के नेताओं ने शहीद के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। पूर्व की भांति शहीद उधम सिंह समिति ने आज भी सभी वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर इतिहास रचा। इस समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष MS निर्मल ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने मुख्य रूप से शिरकत की। शहीद उधम सिंह समिति के अध्यक्ष MS निर्मल ने कहा कि शहीद उधम सिंह जी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर लोगों के सामने प्रेरणा दी। शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम कस्बे में साधारण किसान टहल सिंह के घर में हुआ। उधम सिंह के बचपन में माँ का निधन हो गया। इसके बाद पिता और भाई का भी साया उनके सिर से उठ गया। अनाथ हुए शहीद उधम सिंह को अमृतसर के अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। इंद्री शहर में शहीद उधम सिंह जी की जयंती मनाई गई, जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया, सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्षों की भांति इस बार भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही एक अपने सभी समाज से, सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहीदों ने हमें भारत देश आज़ाद करके दिया, उसी तरीके से हमें भी देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती पर, जन्मदिवस पर इंद्री में सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग और सभी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने शहीदों को नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऐसे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए अपनी पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष इंद्री में होते हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन और सभी क्षेत्रवासी इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि देते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि जब उधम सिंह ने जवानी की तरफ कदम रखा तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के पर्व के दौरान इकट्ठे हुए निर्दोष लोगों पर अंग्रेज हुकूमत के गवर्नर माइकल ओडवायर और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस दृश्य से उधम सिंह का खून खौल उठा और वो वहीं पर खून से सनी मट्टी को उठाकर इस घटना के दोषियों को सजा देने का निर्णय उन्होंने लिया। इसके लिए वो इंग्लैंड गए तथा भरी जनसभा में ही दोनों आरोप की हत्या करने का इंतजार करीब 20 वर्ष तक करते रहे। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन के इंतजार में वो तड़प रहे थे। 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड के किंगस्टन हॉल में एक जनसभा हो रही थी और उसमें माइक ओडवायर हिंदुस्तानियों की हत्या करने की शेखी पधार रहे थे, तो उधम सिंह ने पिस्तौल निकालकर उन्हें वहीं ढेर कर दिया। इस मामले में उधम सिंह ने मौके से भागने की बजाय शहीद होने का काम किया। उन पर मुकदमा चलाया गया और 5 जून को उन्हें फांसी सुना दी गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें शहीद कर दिया गया। मैं वही माइकल जनरल ओडवायर हूं जिसने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब, भारत के पंजाब सूबे में जो जलियांवाला बाग है वहाँ भारतीयों को, नेते भारतीयों को मैंने मौत की नींद सुला दिया था। मैं वही जनरल माइकल ओडवायर हूँ। तो इतनी बात कहना पाया था उसी समय शहीद उधम सिंह जो प्रथम पंक्ति में बैठा था उसका खून खोल उठा और वो उठ करके एकदम से मंच पर पहुँच करके 3 गोलियां उसकी छाती में मार करके और भारत माता की जय बोलता हुआ, और उसके बाद उसको जो है वहाँ के सिपाहियों ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि आपके रिवाल्वर में 3 गोलियां और थी, आप चाहते तो किसी और को भी आप मार सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में पैदा हुआ हूं, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम नियते लोगों पर, निर्दोष लोगों पर कभी वार नहीं करते। माइकल जनरल ओडवायर ने, क्योंकि इनके आदेश पर मेरे देश के नियते लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवाई गई थी और हजारों लोग जो है उन्होंने शहीद करवाए थे, तो मैंने उसका बदला लेना था। आज मैंने जो प्रतिज्ञा भारत माँ के प्रति करी थी, आज मैंने उस प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया है और आज मेरा जीवन सफल हो गया है। उधम सिंह जी ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सबसे पहले तो मैं उस महान शहीद को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ और उस महान कवि की एक लाइन मुझे याद आती है जिन्होंने दानवीरों के बारे में और शहीदों के बारे में 2 लाइनों में अपनी बात को लिखा है,
जननी जने दो भक्त जने क्या दाता क्या सूर नहीं तो जननी बांझ बली क्यों व्यर्थ गुआए मूर। तो जो शहीद उधम सिंह जी थे वो उनके बारे में ये तीनों लाइन बिल्कुल स्टीक बैठती हैं, जननी जने तो भक्त जने, वो भक्त थे बहुत बढ़िया, देश के प्रति जो उनकी भक्ति थी वो दूसरे में आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आती है कि दान भी, उन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया। उसके बाद आप देखिए भक्त हुए, दानवीर हुए और सूरवीर हुए, इतने सूरवीर जिन्होंने 20-21 साल इंतजार किया उस समय का और वहां जाकर बदला लिया। इंद्री से मणिपाल कश्यप। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।